कारोई थाने के अंतर्गत दूड़िया गांव में किसान सुखलाल बैरवा की 4 माह की मेहनत से पकी गेहूं की फसल पल भर में जलकर राख हो गई। दोपहर में सुखलाल के खेत में लगे बिजली के पोल के ऊपर का सिरा टूटकर मुड़ गया, जिससे दूसरी लाइन से तार टकरा गया और शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी उठी, जो कि गेहूं की फसल में आग की लपटों के रूप में तब्दील हो गई। आग विकराल रूप से फैलती गई, जिससे 3 बीघा क्षेत्र में गेहूं की फसल लगी खाक हो गई। खेत में सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम के पाइपलाइन भी पूरी तरह से जल गए। ग्रामीणों के अथक प्रयास से भी आग काबू से बाहर हो गई। भीलवाड़ा दमकल को सूचना दी गई, लेकिन दमकल के आने से पहले ही 3 बीघा की फसल जल गई। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग को पहले भी सूचित किया गया था कि यहाँ तार बहुत ढीले हैं, लेकिन विभाग द्वारा समय पर ध्यान नहीं देने से आगजनी की घटना हो गई। सूचना मिलने पर कारोई थाने से पुलिसकर्मी दयाल राजोरा, सरपंच कमला देवी जाट, सरपंच पति भैरूलाल जाट, हमीरगढ़ गिरदावर भैरूलाल शर्मा, पटवारी बालकिशन इरवाल व पूर्व सरपंच जगदीश शर्मा मौके पर पहुंचे और मुआयना कर जली हुई फसल का आकलन किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन किसान सुखलाल को दिया है।